बेटा प्लीज सिट प्रॉपरली बेटा, बिल्कुल अटेंटिव हो गए। एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास 10th ऑन पेज 144 ऑफ चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 129, जो है 1 से लेकर 9 तक डिजिट यूज करने, इफ रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। मैं क्लियर कट बता दूं, अगर रेपिटिशन नॉट अलाउड है तो मैं सीधा भी काम कर सकती थी। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या करते हैं, फोर डिजिट नंबर बनाना है तो मैं क्या कर सकती थी, 9 8 7 6, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। एक, जब भी रेपिटिशन अलाउड ना होना बेटा, तो हम परमोटेशन कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। परमोटेशन कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कैसे, 9 में से एट ए टाइम 4 प्लेसेस फिल करनी है, तो आई कैन यूज 9P4। अब 9P4 में कैसे खोलेंगे, 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 4, 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाना है, कैंसल हो जाना है। बेटा ये दोनों आंसर देखिए सेम है, वो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, अब डायरेक्टली हम इससे भी कर सकते हैं। बट मैं बार बार कह रही हूं, परमोटेशन कॉम्बिनेशन कभी नहीं लगती है अगर रेपिटेशन अलाउड हो। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो कभी भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते, तब हमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही यूज करना पड़ता। ओके जी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। वो बताने का कारण ही ये था, क्योंकि जब रेपिटेशन अलाउड है तो हमें काउंटिंग प्रिंसिपल से ही करना है। रेपिटेशन नहीं अलाउड, आइदर यू कैन यूज काउंटिंग प्रिंसिपल और यू कैन यूज परमोटेशन। ओके, क्लियर, सबको बात समझ आ गई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा, इसमें मैंने कुछ नहीं माइनस किया। अगर ये नंबर होते ना 0 to 9 और मैंने 4 डिजिट नंबर बनाना होता, तब मेरे लिए ये प्रॉब्लम केस हो जाना था। कैसे, मेरे पास अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बिल्कुल सही है, तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू यू जो आप सोचते हो कि मैम 10P4 यूज कर लो, पर दैट इज रॉन्ग। रीजन, इसमें वो भी केसेस आ गए जिसमें बेटा फर्स्ट प्लेस पे क्या लगा हुआ है, जीरो। अगर फर्स्ट प्लेस पे मैं जीरो लगा दूंगी, मतलब 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे मैं लगा दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 3 डिजिट नंबर हमने नहीं बनाना, हमने क्या बनाना था, 4 डिजिट नंबर बनाना था ना। तो अब बेटा मैंने क्या करना, फिर टोटल में से मैं 3 डिजिट नंबर क्या कर दूं, माइनस कर दूं। सिंपल सी बात, मैं क्या कर दूं, 3 डिजिट नंबर माइनस, मतलब 3 डिजिट नंबर माइनस कौन से होंगे, मतलब जिसमें जीरो जीरो आ गए, फिक्स हो गया, तो ऑब्वियस है ये 3 डिजिट नंबर ही हो गए, लेकिन इसमें जीरो कहीं और नहीं आएगा। यानी यहां पर मेरे पास नंबर क्या बन गया, 9P3। क्यों, जीरो यहां फिक्स कर दिया, टोटल नंबर थे 10, 10 में से एक चला गया, कितने रह गए, 9, 9 में से सिलेक्ट कितनी प्लेसेस करनी, 3। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 1 वे से सेलेक्ट हो गया, ये 9 वे से, ये 8 वे से, ये 7 वे से, 7 में है सबको मल्टीप्लाई, आप ये माइनस कर दो, या आंसर तो दोनों का सेम ही। बात समझ आई सबको बेटा, क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मेरे पास जो है हाउ मेनी, एग्जांपल 11th है। हर क्वेश्चन को आप टू फॉर्म से सोचा करो, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो आंसर क्या हो सकता है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आंसर क्या हो सकता है, तभी आप पेपर में हर तरह का क्वेश्चन कर पाओ। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास जो है एग्जाम्पल 11, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0,
1 2 3 4 5 if repetition of the digit is not allowed. उसने क्लियर कट कह दिया कि मेरे पास जो है रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं. इतना मुझे पता चल गया कि मैं डायरेक्ट परमोटेशन लगा सकती क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं. अब सबसे पहले तो मैं देखूं 100 और मेरे पास जो है 1000 के बीच में कितना डिजिट वाले कितने डिजिट्स मेरे पास आते हैं. 3 वाले. क्यों? क्योंकि 101 to 99 यानी डायरेक्टली उसने 3 डिजिट नंबर नहीं कहा मुझे, मुझे घुमा दिया क्वेश्चन को. तो दैट मींस इतना मुझे पता चल गया कि मैंने 3 डिजिट नंबर बना. अब मुझे कोई बता सकता है कि कैसे? मैंने आपको ये बता दिया डिजिट ये है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मुझे 3 डिजिट एक सेकेंड. हाँ जी बोलो. बिल्कुल जी, हम 3 डिजिट में से आप ये मत बोलो कि 2 डिजिट वाला, आप बोला करो जिसमें 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया उसको माइनस कर, ठीक है ना? क्योंकि हम तो बना ही 3 डिजिट नंबर रहे हैं तो 2 डिजिट आना नहीं चाहिए था, बट हमने क्या किया 0 फिक्स किया. चलो हाँ जी पुलकित ना लास्ट में. पुलकित बताइए बेटा क्या कैसे वेज होंगे? हरी अप नहीं पता चला तो बेटा पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछा? आपने पूछा क्यों नहीं? यही तो यहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है. आपको शेम फील होती है टू आस्क एनीथिंग. मैं कह रही हूं आपको कुछ भी नहीं पता चला, नो प्रॉब्लम बेटा, बट अनलेस यू आर नॉट एबल टू आस्क अस. आप यहां पर 4 आवर्स स्पेंड कर रहे हो, अगर आप टीचर से नहीं पूछोगे तो बेटा फिर आपका तो वो स्पेंडिंग टाइम तो 0 है. हाँ जी नेक्स्ट युवराज. तो ओके चलो आप उस मेथड से कर रहे हो 5. बेटा ये नंबर कितने हैं? आपने कैसे टोटल वेज निकालने हैं तो 6 नंबर्स है ना, तो फिर हमारे पास क्या आएगा है ना? इतना आप अगर आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें तो बेटा आपको टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. उसने ये नहीं कहा, उसने टोटल वेज कहा है बेटा. He is saying total ways, है ना? तो total ways में और उसमें फर्क है. मैं वही उसको बता रही हूँ कि बेटा अगर आप principle of counting से कर रहे हो फिर तो total में से वो minus करने की जरूरत ही नहीं है. आप पहले उस पे सोचो. पुलकित pay attention here बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात. देखो पुलकित, 3 digit number बनाना, बनाना. अब 3 digit number में मैं यहाँ पर ones, tens, hundred place है, मैं कहीं पे भी कोई भी नंबर फिल कर सकती हूँ, बट एक बार जो फिल कर दिया मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती. मेरे पास ये बाउल में 1 2 3 4 5 6 नंबर पड़े, एम आई राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी 100th में, अगर बाउल में से पहले 1 निकला मैं फिल कर सकती हूँ, 2 निकला मैं तब भी फिल कर सकती हूँ, 3 निकला तब भी फिल कर सकती हूँ, 4 निकला तब भी फिल कर सकती हूँ, 5 निकला तब भी मैं प्लेस कर सकती हूँ, लेकिन 0 निकलेगा ना तो तुम कहोगे नॉट, आई एम नॉट एबल टू पुट इट हियर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाए, एम आई राइट? यानी इसको फिल करने के मेरे पास 5 वेज हैं, एम आई राइट? कोई एक चला गया, मुझे नहीं पता कौन सा गया, एनीवन गॉन, है ना? कितने रह गए? टोटल 6 थे ना, तो कोई एक चला गया, 0 नहीं जाएगा इतना मुझे पता है, 0 रहेगा ही रहेगा. 1 से लेकर 5 तक कोई एक चला गया, अब कितने रह गए? अगर इन में से देखूं 4 ये रह गए और एक 0 ऐड हो गया, यानी अगेन इसमें मैं कितने वे से नंबर फिल कर सकती हूँ? 5 वेज से. ये बात सबको समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? पुलकित डाउट है कोई? बेटा सेकंड में तो 0 आएगा, मैंने आपको कहा इन नंबर से मैं कोई 4 रह गए मेरे पास, इन नंबर में से कोई 4 ही रह गए ना बेटा. मान लीजिए आपने 2 फिल कर दिया इधर, तो कि 2 दोबारा नहीं ना आ सकता, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड.
में से? हाँ, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, बिल्कुल। इन तीनों को मत बोलो ना, बोलो कि इन डिजिट्स को मैं दोबारा नहीं रिपीट कर सकता। ओके, इन डिजिट्स को मतलब, अरे आप खुद सोचो, मैंने आगे भी एग्जांपल दिया था, 5 चॉकलेट्स हैं तुम्हारे पास, एक चॉकलेट खा ली, टम्मी में चली गई, तो वापिस थोड़ा रहेगी। रेपिटेशन का मतलब जो है आप रिपीट नहीं कर सकते, रेपिटेशन नॉट अलाउड मीन्स रिपीट नहीं कर सकते बेटे, बात समझ आई? तो अब मेरे पास हो गए 4 इसमें से, सेकंड प्लेस में 0 भी तो आ सकते हैं। अब कोई 2 नंबर चले गए, मुझे नहीं पता कौन से गए, एनी 2 नंबर, यानी अब इनमें से 3 इधर से रहा, 1 ये 0 भी, क्या पता अच्छा 0 चला भी गया, तो फिर इधर 4 के 4, हमें कोई टेंशन नहीं। तो मेरे पास हो गए कितने वेज हो गए, 4 वेज, तो साथ में है ना ये सब, इसके साथ मैंने ये लेना है, साथ ही लेना है, और केस तो नहीं है ना, एंड है ना, तो सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 25 × 4 100 वेज। वन मेथड इज दिस जो मैंने उस दिन भी बताया था, अनदर मेथड वो सीखना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी आर्यन, ऐसे ही लिखते हैं, नथिंग एल्स। आपने ऐसे वंस टेंस हंड्रेड लिख दिया, आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ वेज लिख दिए, बस कुछ भी नहीं, हमें क्लियर और कट हो जाता है बच्चे ने क्या किया, ऐसे बड़ा या छोटा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये चैप्टर ऐसा है जिसमें एक लाइन में भी बच्चे आंसर लिख देते, एक लाइन में भी बच्चे आंसर लिखेंगे वो 4 नंबर का भी होगा, वी हैव टू गिव द क्रेडिट। ओके जी, अब चले। हाँ जी, अब मैं आपको बता रही हूँ परमोटेशन की हेल्प से। देखिए, अगर परमोटेशन की हेल्प से करना है तो मैंने आपको कहा 3 डिजिट नंबर मैंने देखना है, अगर मेरे पास टोटल 6 है, मैं 6 में से 3 सिलेक्ट कर रही हूं, बट प्रॉब्लम ये है इसमें वो भी नंबर आ गया जिसमें 0 यहां पर था, मुझे वो नहीं लेना, तो दैट मीन्स वो क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब 0 चला गया है ना, तो कितने 5 में से सिलेक्ट कितने करने, 2। आप सॉल्व कर लो इसको, सेम आंसर वही हो गया, लेट अस सॉल्व इट। जो गए, अब मैं सीधा आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। देखिए, जब फैक्टोरियल मेरे पास परमोटेशन होता है, मुझे पता है इसका आंसर 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट जाता है, जितने नंबर्स होते हैं ना उतना मतलब नंबर मैं खोलती हूँ एक एक माइनस करके, मल्टीप्लाई माइनस। अब ये देखो मेरे पास क्या आएगा यहां पर, 5 × 4, नो, क्योंकि 2 है ना, आप खुद सोचो ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, माइनस करना ना, तो वो 3 फैक्टोरियल कटने के लिए 5 × 4, मतलब ये इजी कैलकुलेशन, इजी करने के लिए अगर परमोटेशन खोलना है तो जितने नीचे होते हैं उतने नंबर कंजेक्टिव मल्टीप्लाई में लिखो, माइनस, और ये 4p2 है, सॉरी 5p2 है, तो 5 × 4, 2 क्यों लिखे, क्योंकि नीचे 2 था, बात समझ आई सबको। अगर आपके पास होता 7c2, 7p2, तो आप क्या खोलते, 7 × 6, एक एक कम कंजेक्टिव नंबर्स, कंजेक्टिव नंबर का मतलब क्या होता है, साथ साथ वाले, कितने तक लिखने हैं, जितने यहां नीचे होते हैं उतने डैश फिल करने हैं, समझ लो। अगर होता यहां 3 तो × 5 भी आ जाता। ओके बेटा, क्लियर, अब पता चल गया, ये शॉर्टकट है, नहीं समझ आया आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के, वो तो आता है ना, वो तो कर सकते हो ना, ठीक है जी, और माइनस कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, क्लियर। चलू आगे, चलिए। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 12th, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच np5 इज इक्वल टू 42
NP3 where N is greater than 4, where N is greater than 4. अब देखना यहां कितनी हेल्प होगी आपको. अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि अगर 7P2 है तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट कहां से करना है, 7 से, है ना. अच्छा अगर यही मेरे पास होता NP3, स्टार्ट तो N से ही करना है, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स करने लिखने, कम करते जाना एक एक, लेकिन कितने नंबर्स लिखने, 3. तो दैट मींस N N-1 N-2. अब बात समझ आई सबको कि मैंने वो कैसे लिखा, सबको बात क्लियर हो गई. तो अब देखो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज करूंगी, जरा देखना ध्यान से. मेरे पास जो है आई यूज हियर N N-1 N-2 N-3, कितने हो गए, 4 प्लेसेस, N-4 हो गए बेटा. अब मेरे पास नेक्स्ट देखिए दूसरी साइड पे 42 N N-, मेरे पास हो गए दैट इज 1 N-2. हां जी बेटा कैसे निकालूं, हाउ कैसे निकाला आपने वो. हाँ तो इधर भी तो ये इक्वल है ना बेटा, तो मैंने भी तो इक्वेट ही किया ना, इक्वल कोई चीज है, मैं ऐसे नहीं कर सकती ना एन एन इक्वल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां आगे क्या एक नंबर है 42, और मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर NPR1 इज इक्वल टू NPR2 हो या यहाँ N1 N2 हो तो ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते, अभी मुझे बताना है वो क्राइटेरिया. ओके क्लियर, चलो. हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, कटिंग करने लगे. अब देखो बेटा क्योंकि N इज ग्रेटर देन 4, N की वैल्यू जो है मेरे पास 4 से बड़ी है, तो दैट मींस 100% जो है N-4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है. इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, क्योंकि हम कटिंग हमेशा नॉन जीरो फैक्टर की करते हैं, कटिंग हमेशा नॉन जीरो फैक्टर की करते हैं. तो यहां पर बेटा क्या करो, जो फैक्टर्स कटिंग हो रही है काट दिया, मेरे पास क्या आया, एक बच्चे हिट एंड ट्रायल से कंपैरिजन करके करते हैं, वो क्या करते हैं 42 को 7x6 वगैरह करके करते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार वो जरूरी नहीं है कि वो हिट एंड ट्रायल हर एक पे लग जाए. तो एक मेथड क्या है, आप क्वाड्रेटिक बनाओ, ये बन गया N²-7N+12=42, N²-7N ये माइनस किया तो कितना आया बेटा 30-30=0. ओके जी अब बना लो 3 और 10 मेरे पास, ठीक है जी. तो मेरे पास क्या है N²-10N+3N-30=0 और N-10+3N-10=0, तो N की वैल्यू -3 और 10 आई. आप मुझे बताइए पहली बात तो N कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैं बार बार ये चीज बता रही हूं, N कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, N कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. और दूसरा यहां पर क्लियर कट बोला है N किससे बड़ा है, मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन होता जिसमें यहां वैल्यू मेरे पास N की 3 आ जाती तो आपने क्या कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना, आपने क्या कहना है कि N कभी भी नेगेटिव या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई मेरे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 10. ओके बेटा एनी डाउट टू एनी वन, हाँ तो आप दो केसेस बना लो, बिल्कुल जी
इफ दोनों वैल्यूज जो है टू वैल्यूज सेटिस्फाई द क्वेश्चन, तो बेटा आपको दोनों ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वैसे बेटा हाँ जी, मैंने आपको क्लियर कट बताया कि यहाँ पर नेगेटिव फ्रैक्शन में आ जाए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा पॉसिबल नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 10p5 की वैल्यू निकाल के और इधर से 10p3 की, वो इतना लंबा प्रोसीजर, टाइम ही नहीं होता पेपर में, ठीक है ना, पॉसिबल। एक सेकंड बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, नहीं वो हमने आज तक वैसे कहीं हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है, मैं बच्चों को कहती हूँ कि अवॉइड करा करो, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में माइट भी ऐसा कोई केस बन जाए 42 को लिखना है, कोई बच्चा किसी और मेथड से लिख दे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ क्यों चल गया, क्योंकि ये कंसेक्टिव नंबर से 3 और 4 एक ही का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर भी 7 और 6 आ गया। हर बार आपको वो वैसा मिल जाए पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकते हो जी, सिर्फ क्योंकि यहाँ बचेंगे ही कंजक्टिव। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जो कटेंगे वो सारे फर्स्ट फर्स्ट वाले कटेंगे ना, दोनों साइड पे बचेगा ही कंजक्टिव नंबर, कोई बीच में तो कटिंग हो नहीं सकती है, तो यहाँ वो जस्टिफाई होता है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन जिसमें इधर क्वाड्रेटिक हो इधर कुछ हो, तो माइट भी उस केस में वो जस्टिफाई ना हो, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अवॉइड करो बस, और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है सेकंड पार्ट, यू डू योर सेल्फ एज अ होमवर्क। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस। न्यू कॉन्सेप्ट मतलब इसमें सब कुछ मतलब कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह जो हम आपको समझाना चाहते हैं, प्रमोटेशन का मेन एम, ठीक है जी। लेट अस सी, उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8-letter अरेंजमेंट्स। अब ध्यान से वर्डिंग सुनना, एक एक वर्ड की यहां पर इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 की, मुझे 8 letter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुझे 8-letter अरेंजमेंट करना है। ओके बेटा, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। मुझे डॉटर वर्ड से 8-letter अरेंजमेंट करना है। पहले तो मैं देखूं मेरे पास अल्फाबेट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट है, एट के एट यूज करने है, मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। मैं अगर अपना चेक लगाऊ, अभी कुछ नहीं कहा ना, जब वैसे भी अभी तक कुछ नहीं कहा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। मैं आपको ये भी बात बताऊ, When nothing is specified, understood है, repetition is not allowed. Okay जी, अब देखते हैं उसने क्या कहा। That can be made from the letter of the word daughter, so that all vowels occur together. Second part है, all vowels not occur together. अब जब मैं कहती हूँ occur together, simple सा example है, मेरे पास ये कुछ ना इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स है, ठीक है, अलग अलग कलर लिया मैंने, चलो व्हाइट कलर के 2 ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इनको अरेंज करना है, मैंने इनको अरेंज करना है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो व्हाइट वाले है ना चॉक्स, वो इकट्ठे आए। मेरे पास ये 5 है, आई एम हैविंग 5 चॉक्स, और मैं चाहती हूँ कि 5 के में से ये जो 2 है ना, ये 2 वॉवल्स मान लिए इकट्ठे आए, है ना। किसी के पेरेंट्स ने कह दिया मैम कि ये दोनों को ना इकट्ठे ही बैठाया करो, इनको आपस में अपनी पूछ लेते हैं, होता है कि नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने सेटिंग अरेंजमेंट करना इनका, मैंने इन दोनों को पहले क्या मान लिया, 1 मान लिया। मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। मतलब अगर मैंने इनको बैठाना है, चाहे मैं फर्स्ट बेंच पे बैठाऊं या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में, करूंगी कि नहीं, पहला टारगेट यही होगा ना, मैं जहां पर भी। लेकिन दोनों ने सीट तो अपनी अपनी लेनी है कि नहीं लेनी। मैंने पहले इनको ग्रुप मान लिया 1, तो कितने ग्रुप हो गए मेरे पास, 1, 2, 3 और ये 4।
यानी मैंने फोर का वे सिलेक्ट करना है, एम आई राइट? करना है कि नहीं करना है? लेकिन फोर का तो कर दूंगी, साथ में मुझे इन दोनों का भी तो करना है। बड़ा वाला राइट पे बैठ जाए या फर्स्ट सीट पे बैठ जाए, छोटा वाला सेकंड सीट पे बैठ जाए, या छोटा वाला फर्स्ट में बैठ जाए और बड़ी वाला सेकंड में बैठ जाए, यानी साथ में क्या करना है, इनका अरेंजमेंट भी करना है। करना है कि नहीं करना? अब यही चीज यहां उसने मुझे कहा, वॉवल्स अकर टूगेदर। अब ध्यान से सुनना, अगर ये समझ आ गया समझो सारा चैप्टर समझ आ गया। वॉवल्स अकर टूगेदर, पहले तो मैं देखू इसमें वॉवल्स कौन से, वन टू थ्री है, मैंने इनको क्या कर दिया एक ग्रुप में। जब भी अकर टूगेदर आए ना, हमेशा क्या कर दो, उसको एक पोटली में बांध लो, ठीक है। आई टाइड इट इन वन प्लेस, ठीक है, मैंने तीनों को टाई कर दिया। अब बाकी क्या रह गया, डी जी एच टी आर। अब देखो कितनों की प्लेसमेंट करनी है मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इज इट क्लियर? ये मैंने लिख के समझाया, कोई बड़ा क्वेश्चन होता तो क्या करते, वॉवल्स पांच से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो पता ही है ना, ए आई ओ यू, ठीक है। तो मेरे पास, अब देखो मैं क्या करती हूं, मैं ये कहती हूं जितने टोटल मेरे पास अल्फाबेट्स हैं उसमें से वॉवल्स क्या कर दो, माइनस कितने वॉवल्स से और प्लस वन कर दो, क्योंकि उनको एक मानना था। तो अपने आप मेरे पास वो सिक्स बन गया, ओके। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, इनका अरेंजमेंट किया, इन सबका, ठीक है। अब जब मैंने अरेंजमेंट करना है, जहां ये तीन आ गए ना, अगर ये तीन को मैंने यहां बताया, वो वन प्लेस पे नहीं बैठेगा, वो वन टू थ्री पे जाएगा। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया ए यू ई, अच्छा अगर यहां से स्टार्ट किया ए, सीट अपनी अपनी लेनी है, एक दूसरे की लैप में थोड़ा बैठ सकते हम, लेकिन हमने कंबाइन कर दिया। अब देखना जरा ध्यान से, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। सबसे पहले मैंने इन सिक्स के सिक्स को अरेंज किया, सिक्स पी सिक्स, ठीक है। इसको हम सिक्स फैक्टोरियल भी लिख देते हैं, कैसे, नीचे तो जीरो ही फैक्टोरियल आना है ना, तो वो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन। मैंने उस दिन वीडियो भी भेजी आपको ग्रुप में, ओके, ठीक है। अब इनटू साथ में, बेटा मैंने इनका भी तो, ये तीन प्लेस, तीन जाने हैं, तीन अल्फाबेट्स हैं, ये भी तो ए पहले आ गया, ए सेकंड पोजीशन में भी आ सकता है, ए थर्ड में भी आ सकता है, यानी तीन ही अल्फाबेट्स हैं, तीन ही सीट्स हैं, तो इनटू थ्री पी थ्री, जिसको हम थ्री फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। अब इनको प्लीज ऐसे नहीं करना, सिक्स थ्री दा एटीन, मैंने आपको आगे भी बोला था, ये सिक्स फाइव फोर थ्री टू इनटू, बस क्यों, ये डिवाइड, बेटा डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में होता तो मैं कट हो जाता, मल्टीप्लाई में थ्री इंटू टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी बेटा, अब बोलो, मास्क नीचे करो, तभी एक एट माइन यहां क्यों बेटा, अगर आप एट माइनस थ्री आप ब्रैकेट डालो या ना डालो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर तो पता ही है पहले हम माइनस कर रहे हैं पहले प्लस कर रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, है ना, ठीक है जी। आप नहीं भी डालोगे बोर्ड मार्क्स में जब हम करते हैं, अगर आप करोगे तो माइनस टू आया, तो एट माइनस टू तब भी सिक्स बनेगा, अगर आप फाइव प्लस वन करोगे तब भी सिक्स बनेगा, ठीक है जी। और बोर्ड मास में अगर ब्रैकेट नहीं होती प्लस माइनस बोर्ड मास, तो आप ऐड भी करोगे तब भी, अगर एट प्लस वन नाइन, नाइन माइनस थ्री करोगे तब भी सिक्स ही आएगा पुत्र। कंसंट्रेशन अपनी दूसरे कामों में लगाओ, ठीक है। चलो अब पता चल गया सबको मैंने क्या समझाया, जब भी ऑल टूगेदर वाला आए
क्या करना है, जिनको इकट्ठे बिठाना है उनको एक चीज मान लो, बाकी जितने बच्चे गए ठीक है प्लस वन कर दो, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा कितने प्लेसेस में हमने अरेंज करना है। जब अरेंज कर दिया, लेकिन जो ग्रुप में एक पोटली में एक बैग में जो डाला था उनकी भी तो अरेंजमेंट करनी है, तो वो मैंने किससे की, थ्री फैक्टर। और यहां मैं सिंपल बता दूं, आप सीधा ये भी लिख दोगे ना, वी विल गिव क्रेडिट। जब भी फाइव चीजें हैं, फाइव के फाइव वेज हमने उनको मतलब प्लेसेस में अरेंज करना है, तो वो फाइव फैक्टोरियल ही होगा, क्योंकि हमें पता है फाइव पी फाइव फाइव फैक्टोरियल ही होता है, सिक्स पी सिक्स सिक्स फैक्टोरियल ही। सबको बात क्लियर हो गई है? अब अगला इसका पार्ट था, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टूगेदर, इकट्ठे ना आए, क्या करें? टोटल में से ऑल अकर टूगेदर क्या कर दें? माइनस, सिंपल सी बात, वही आएंगे ना जिसमें ऑल वॉवल्स। अच्छा, ऑल वॉवल्स अकर टूगेदर का मतलब है कि तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ऑल वर्ड है, दो इकट्ठे आ गए हमें कोई टेंशन नहीं, एक तो आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, दो इकट्ठे आ गए हमें वो भी टेंशन नहीं, तीनों के तीनों नहीं आने चाहिए, तो दैट्स व्हाई टोटल। अब टोटल क्या होगा, एट फैक्टोरियल होगा क्या? नहीं, एट पी एट माइनस सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल। लो जी, ब्रैकेट भी डाल दी मैंने, ठीक है जी, क्लियर जी, ओके, समझ आ गया बेटा सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आपके कि मैम ये ऐसा कैसे, कुछ भी, इसमें क्वेश्चनिंग बहुत आती है दिमाग में, नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाए। पुलकित क्लियर, पक्का सबको? चलू आगे, चलिए अब। हाँ जी, सिंपल वे से कैसे करोगे? वही एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू थ्री इंटू फोर इंटू सॉरी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये टोटल वेज आ गए। माइनस, जब आपने क्या करना है, वॉवल्स इकट्ठे करने हैं। अब जब आप, इसीलिए तो हम इसमें करा नहीं रहे आपको, क्योंकि जब होने को क्या, केसेस बनाई जाओ, पहले ए जो गए यू ओ यहां आ गया, बाकिया का अरेंज कर लो, फिर ए यू ओ बाकियों का अरेंज करो। दैट्स व्हाई हमने परमोटेशन आपको पहले ही कहा, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब कम केसेस हैं आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हो, बट जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके जी, क्लियर? चलो बेटा, वी विल मीट टुमारो टू कंप्लीट दिस।